गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर की हमारी क्लास में हम जो टॉपिक ले रहे थे, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल की वीडियो, जो वीडियो वन था, मैंने यहाँ पे बता दिया था। आज हमारा ये वीडियो टू है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक देश के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर दिया जाता है, एक रैंकिंग दी जाती है सारे देशों को, और उस रैंकिंग के आधार पर यह तय किया जाता है कि पर्टिकुलर देश में कितना मानव विकास हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। तो कल हमने उसके बेसिक के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपको ये बताएंगे, आज हम हमारे इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि मानव विकास सूचकांक तैयार कैसे किया जाता है। और कल मैंने आपको बताया था कि हर देश को जो मानव विकास सूचकांक दिया जाता है वो किन नंबर्स में होता है, वो जीरो से लेके एक के बीच में होता है, और जीरो से लेके एक के बीच में विश्व के सभी देशों को नंबर दिया जाता है। किसी देश को 0.5 मिलता है, किसी देश को 0.6 मिलता है, किसी देश को 0.2 मिलता है, फिर सब देशों को ये पॉइंट्सों में नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में उनकी रैंकिंग की जाती है, उनको स्थान दिया जाता है, और उस रैंकिंग को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो अब हम आज इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसमें रैंकिंग दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं सभी कंट्रीज को, ये पॉइंट्स किस आधार पर दिए जाते हैं, कैसे ये पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो मानव विकास सूचकांक या HDI के निर्माण हेतु किसी भी देश के तीन प्रकार के आंकड़े संबंधी सूचक एकत्र किए जाते हैं, फिर HDI ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए भारत है, भारत का HDI रैंकिंग मैंने कल बताया था 139 है, और वो 139 जो रैंकिंग है उसको दर्शाने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए क्या किया गया था या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो तीन आंकड़े लिए जाएंगे, जीवन प्रत्याशा संबंधी आंकड़े जिसे दीर्घायु शब्द के द्वारा दर्शाया जाता है, शैक्षणिक उपलब्धियां, और रियल GDP पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा के जो आंकड़े लिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं कि जन्म के समय पर्टिकुलर किसी कंट्री में जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी कि जीवन को जीने की प्रत्याशा कितनी है, सरल शब्दों में कि एक व्यक्ति उस कंट्री में कितने साल जिएगा, औसत रूप से कितने साल जिएगा। ठीक है, इसी तरीके से देश में, पर्टिकुलर देश में जिसका HDI ज्ञात करना है, उसकी ब्रॉड साक्षरता दर को देखा जाता है, जिसे बोलते हैं एडल्ट लिटरेसी रेशियो या ALR। उसके बाद में सकल नामांकन दर ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं ये दो तरीके से मापी जाती हैं। पहली तो है ब्रॉड साक्षरता दर, मैंने आपको बताया ALR या एडल्ट लिटरेसी रेशियो। इसमें क्या करते हैं, 15 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, 15 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो साधारण भाषा पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सकल नामांकन दर की। तो सकल नामांकन दर में क्या होता है, उस जनसंख्या को शामिल किया जाता है, देश की उस जनसंख्या को शामिल किया जाता है जिसमें, मतलब वह जनसंख्या जिसने किसी भी शैक्षणिक स्तर की संस्था में प्रवेश लिया हो या एनरोलमेंट करवाया हो, एडमिशन लिया हो। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है कि 15 साल के वो व्यक्ति ज़्यादा के जो लिख पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर वो जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया है उन लोगों की संख्या को लिया जाता है। ब्रॉड साक्षरता दर को 2/3 भार दिया गया है, और सकल नामांकन दर को 1/3 भार दिया गया है। इसके बाद में रियल GDP को हम काउंट करते हैं। अब किसी देश की जब HDI ज्ञात करनी है तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखा जाएगा, ब्रॉड साक्षरता, सकल नामांकन दर और प्रति व्यक्ति रियल GDP को देखा जाएगा। अब इनकी एक सीमाएं होती है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी ली जाती है, 25 से 85 वर्ष हो सकती है। मतलब ये माना जाता है कि किसी कंट्री में जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, यानी कि व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष जिएगा, 25 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष जिएगा, 85 वर्ष।
इसी तरीके से प्रौढ़ साक्षरता दर है जो 15 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति है जो पढ़ लिख सकते हैं, या तो वो 0% हो सकते हैं एक देश में, या 100% भी हो सकते हैं। इसी तरीके से कंट्री की वह जनसंख्या जो किसी भी संस्था में नामांकन करवाती है, वह उस देश की संख्या 0% भी हो सकती है या 100% भी हो सकती है। और रियल GDP कितनी मापी गई है, कौन सी सीमाएँ ली गई हैं, $100 से $400। अब ये जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है, अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से एक देश के लिए, पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए HDI का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंट्री है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए कंट्री के लिए HDI ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए उसकी जीवन प्रत्याशा काउंट की जाएगी, शैक्षणिक उपलब्धियां काउंट की जाएंगी और रियल GDP पर कैपिटा इनकम काउंट की जाएगी। तो मैं आपको एक सूचकांक निकाला जाता है, चाहे वो सूचकांक जीवन प्रत्याशा का हो, शैक्षणिक उपलब्धियों का है या रियल GDP का हो, तो इसके लिए एक सूत्र सूत्र लिखा जाता है। वो सूत्र क्या है, कोई भी सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होगा सूचकांक संबंधी वास्तविक मूल्य उस कंट्री का, जो वास्तविक मूल्य, यानी कि अगर हम जीवन प्रत्याशा संबंधी सूचकांक निकाल रहे हैं तो देश की वास्तविक जीवन प्रत्याशा माइनस देश की न्यूनतम जीवन प्रत्याशा का मूल्य बटे अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। HDI ज्ञात करनी है तो उसके लिए जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धियां और रियल GDP का एक सूचकांक निकालना पड़ेगा, और उस सूचकांक को निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं आपको जीवन प्रत्याशा संबंधी सूचकांक दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आपको इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। माना कोई कंट्री है ए जिसमें हमें HDI ज्ञात करना है, तो उस कंट्री में हम ये मान के चलते हैं कि वर्ष 2002 में इस कंट्री में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो मान लेते हैं हम कितनी है, 59.4 ईयर। इस कंट्री में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो 59.4% है, लेकिन इस देश में जन्म की जो अधिकतम, ये तो है वास्तविक मूल्य। ठीक है, किसका, अगर हम जीवन प्रत्याशा संबंधी सूचकांक निकाल रहे तो इसका वास्तविक जो मूल्य क्या है, 59.4 वर्ष। लेकिन उस कंट्री में जो लोग जीते हैं वो जो न्यूनतम मूल्य है वो मान लेते हैं, न्यूनतम मूल्य है 41.8 वर्ष। यानी कि इस देश में जो लोग हैं वो कम से कम, वो कौन सी आयु है जो वो जीते हैं, वो 41.8 वर्ष है। और मान लेते हैं कि अधिक से अधिक वहाँ पर लोग कितने वर्ष जीते हैं, तो ये 78.4 वर्ष जीते हैं। आई बात समझ में, कि कंट्री ए का हमें HDI ज्ञात करना है। HDI ज्ञात करना है तो अलग अलग हमें जीवन प्रत्याशा संबंधी सूचकांक निकालना पड़ेगा, शैक्षणिक उपलब्धियां संबंधी सूचकांक निकालना पड़ेगा और रियल GDP संबंधी सूचकांक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा सूचकांक निकाल रहे हैं, जीवन प्रत्याशा संबंधी सूचकांक निकाल रहे हैं। तो इस सूचकांक को निकालने के लिए क्या सूत्र यूज होगा, चाहे ये निकालना हो, चाहे इसको निकालना हो, चाहे इसको निकालना, सूत्र होगा कि वास्तविक मूल्य में घटाएंगे न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य में से घटाएंगे न्यूनतम मूल्य। ठीक है, तो माना देश ए में जन्म के समय, वर्ष 2002 में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा संबंधी सूचकांक है जिस कंट्री के, वो इस प्रकार है कि वास्तव में लोग औसत रूप से 59.4 वर्ष जीते हैं औसत रूप से, लेकिन न्यूनतम जो है वो 41.8 वर्ष और अधिकतम वहां पर लोग 78.4 वर्ष जीते हैं। अब हम इन सभी समांकों को इस सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उस देश का जीवन प्रत्याशा निर्देशांक आएगा। इसे हम लिखेंगे जीवन प्रत्याशा, सूचकांक लिखो या निर्देशांक लिखो बात एक ही है, सूचकांक क्या आएगा उस देश का, हम लिखेंगे 59.4 माइनस 41.8 बटे
78.4 माइनस 41.8 और इसका आंसर आएगा 0.0492 वर्ष, यानी कि इस कंट्री में जीवन प्रत्याशा सूचकांक कितना आया, 0.492 वर्ष आया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम शैक्षणिक उपलब्धियां और रियल जीडीपी भी सूचकांक निकाल लेते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने जो समंक आए वो इस प्रकार है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक हमारे पास आया 0.492 और हम ये मान के चलते हैं कि शैक्षणिक योग्यता का निर्देशांक हमारे पास आया 0.544। ठीक है, और हमारे पास रियल जीडीपी का जो निर्देशांक आया वो 0.418 आया। अब हम इन तीनों का औसत लेंगे और हमारे पास HDI का सूचकांक आ जाएगा। तो HDI कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी कंट्री का HDI इज इक्वल टू जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शैक्षणिक योग्यता सूचकांक प्लस पर कैपिटा रियल GDP सूचकांक और बटा 3। हमने ये मान के चला है कि हमारे पास किसी एक कंट्री के तीनों सूचकांक ये आ गए हैं, तो अब हम इसे HDI ज्ञात करने के लिए यहाँ सूत्र में लगा देंगे। तो HDI इज इक्वल टू 0.492 प्लस 0.544 प्लस 0.418 बटे 3। तो हमारे पास इस कंट्री के लिए जो HDI आया 0.485 आया। ठीक है, तो ये जो हमारा HDI है वो इस कंट्री के लिए 0.485 आया है। मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री का जो HDI है वो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू के बीच में आता है। तो इस प्रक्रिया से हर देश के लिए HDI सूचकांक ज्ञात कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया HDI सूचकांक, यानी कि हम ये कहेंगे कि किस कंट्री को कितने मार्क्स मिले हैं जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धियां और रियल GDP को देखते हुए किस कंट्री ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। अब मार्क्स के आधार पर इनकी होगी रैंकिंग। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि आर्थिक विकास का स्तर निर्धारित करना या रैंकिंग निर्धारित करना वो किस प्रकार होगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि HDI के आधार पर रैंकिंग या आर्थिक विकास का स्तर कैसे निर्धारित होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HDI का मूल्य और यहां हम लिखेंगे मानव विकास सूचकांक के आधार पर श्रेणीकरण। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि किसी देश की जो रैंकिंग है वो 0.8 या अधिक है, जो हमने पिछला पूरा प्रोसेस किया था उस प्रोसेस के आधार पर किसी कंट्री का जो HDI का मूल्य है वो 0.8 या अधिक आता है, तो हम इसे कहेंगे यहाँ पर उच्च मानव विकास हुआ है। और ये अधिकतर किन कंट्रीज में पाया जाता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है। क्लियर, अगर किसी का HDI का मूल्य 0.5 से 0.79 तक आया है, तो हम कहेंगे कि उस देश में मध्यम मानव विकास हुआ है। मध्यम मानव विकास हुआ है और वो कौन सी कंट्रीज है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है। क्लियर, और अगर किसी कंट्री का HDI है वो आता है 0.49 या उससे कम, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, निम्न मानव विकास हुआ है। और ये कौन सी कंट्रीज होती है अधिकतर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया कि HDI क्या है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि HDI एक नंबर है, किसी कंट्री को दिया गया वो नंबर है जो किस आधार पर निकाला जाता है,
वो नंबर निकाला जाता है तीन आधारों पर। कौन कौन से आधार हो सकते हैं? वो आधार हो सकते नहीं, होते हैं। कौन से आधार होते हैं? एक तो जीवन के समय, जीवन की प्रत्याशा क्या है, ठीक है, वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है, और वहाँ पर कैपिटा रियल जीडीपी कितनी है। इस इन तीनों के आधार पर उस देश को नंबर दिए जाते हैं, और नंबरों के आधार पर कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। अगर कंट्रीज किसी जिन कंट्रीज के नंबर 0.8 से अधिक है तो वहाँ पर कहेंगे वहाँ पर उच्च मानव विकास हुआ। इसका मतलब वहाँ पर क्या, जीवन प्रत्याशा भी अच्छी है, वहाँ शैक्षणिक योग्यता भी अच्छी है, वहाँ पर कैपिटा जीडीपी भी बहुत अच्छी है। अगर किसी कंट्री को नंबर मिले हैं 0.5 से 0.79 तो हम कहेंगे वहाँ पर मध्यम मानव विकास हुआ, ठीक है, जीवन प्रत्याशा भी ठीक ठीक है, शैक्षणिक योग्यता भी मिल जाती है लोगों को, किसी को नहीं मिलती है, और पर कैपिटा जीडीपी भी इतनी है कि लोग अपना जीवन जी सकें। लेकिन अगर किसी कंट्री का एचडीआई मूल्य 0.49 और उससे कम है तो कहेंगे वहाँ पर मानव विकास बहुत ही कम हुआ है, लोग जल्दी मर जाते हैं, लोगों को शिक्षा ढंग से उपलब्ध नहीं होती है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। तो इस तरीके से हमने क्लियर किया कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये किस तरीके से बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए कौन से तीन चरों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे लुईस का आर्थिक मॉडल, जिसमें हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे किसी कंट्री में डेवलपमेंट किया जा सकता है अगर वहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र होते हों, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लुईस का मॉडल डिस्कस करेंगे।